30,000 कोर्ट के बाहर हमारी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा इस समय वहां पर मौजूद हैं। पूजा, दूसरा दिन वकील हड़ताल पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय नहीं मिलता तो दरवाजे बंद रहेंगे, काम नहीं रहेंगे। हालांकि वो भी ये भी कह रहे हैं कि जो वकील हैं वो आए और अपने केस की अगली डेट लेकर चले जाएं। देखिए पूजा, हड़ताल का दूसरा दिन तो नहीं कहेंगे, जब से ये घटना हुई है 30,000 कोर्ट में 2 नवंबर के बाद से ही जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें कामकाज पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर वकीलों की साफ तौर पर यही डिमांड है कि जो भी दोषी पुलिस वाले हैं और खासकर वो पुलिस वाला जिसने गोली चलाई थी, जब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है वो ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। यहाँ हम इस वक्त 30,000 कोर्ट में ही मौजूद हैं और 2 तारीख को यही वो घटनाक्रम हुआ था जब वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, आगजनी हुई थी, गोलियां चली थी, तो ये तमाम चीज़ें इसी जगह पर हुई थी और यहीं के वकील इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि आप भी बता रही थी कि हाँ, पब्लिक के लिए हालांकि कोर्ट खुले हुए हैं लेकिन सिर्फ वो आगे डेट लेने के लिए ही यहाँ पर जा सकते हैं। वकील पूरी तरह से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, कामकाज बिल्कुल बंद है। पूजा, तो बातचीत करने से पहले पूजा एक बार जरा तस्वीरें दिखा दें, कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। एक बार तस्वीरें दिखा दें पूजा, जरा इस समय वहां पर क्या हलचल है, जरा एक बार तस्वीरें दिखा दें। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ 30,000 कोर्ट में आपको फिलहाल बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल एक बार यहाँ पर बना हुआ है और अगर आप यहाँ देखें तो आम जो जनता है उनका आना जाना जारी है। खास तौर पर ये वो लोग हैं जो आगे अपनी डेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि जज हैं वो फिलहाल अपनी सीट पर हैं लेकिन वकील काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक परेशानी यहाँ पर आम जनता के लिए है कि जो केस की सुनवाई है, वकील नहीं होंगे तो जिरह कौन करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं वो सिर्फ अपनी डेट्स को आगे पोस्टपोन कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल वकील पूजा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं अब आगे वो क्या सोच रहे हैं क्योंकि कल जब यहाँ पर हमारी वकीलों से बात हुई थी पूजा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट का जो भी आगे का डिसीजन होगा, जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। अब उसको माना गया या नहीं माना गया लेकिन हड़ताल यहाँ जारी है, तो क्या आगे की रणनीति है? देखिए 30,000 का मामला बहुत बढ़ गया है, पूरी दिल्ली परेशान है इस वक्त, कानून ताक पर आ गया है, क्या लग रहा है अब इसको, इस मामले को सुलटाना चाहिए या नहीं? मैडम ऐसा है, हम पहले दिन से ही इस मामले को सुलटाना चाहते हैं। हम अगर कोर्ट में आते हैं तो हम झगड़ा करने नहीं आते, हम क्लाइंटों के काम करने आते हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिले, चाहे उसमें पुलिस भी क्यों ना हो, कोई भी वर्ग से ही। मगर जिस तरह ये उस दिन की घटना हुई है, मैं मानता हूँ अगर वकील साहब ने गाड़ी गलत पार्क कर भी दी तो एक एक्शन ये होता है कि आप डीजे साहब को इन्फॉर्म कीजिए या फिर जिस लॉकअप का इंचार्ज है आप उनसे बताइए कि भाई आपने गाड़ी गलत खड़ी कर दी या फिर आप उसे क्रेन के थ्रू उठवा देंगे। आप इस तरह गाली गलौज करके, बदतमीजी करके क्या करना चाहते हैं वकीलों के साथ? हम डबल ग्रेजुएट हैं, हम काला कोट पहनते हैं, आपकी सुरक्षा भी हम ही करते हैं कोर्ट में, जब आपके खिलाफ कोई केस चलता है तो हम ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज कल भी क्या हुआ, कल क्या हमारे किसी वकील भाई ने उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया हाई कोर्ट में भी? कल भी हमारी जरूरत पड़ी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उन्हें तब भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो आपको सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मी भी तो मौजूद है ना, वो भी तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ मैडम, हो तो रहा है, सुरक्षा क्या हो रही है, गोली चला रहे हैं हमारे ऊपर डायरेक्ट, यही तो सुरक्षा है हमारी, ये कैसी सुरक्षा है कि आप? लेकिन वकील भी आगजनी करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी तोड़फोड़ करते हुए उस दिन दिखाई दिए वीडियो में। मैडम अगर किसी आदमी ने काली पैंट और सफेद शर्ट पहन ली वो वकील नहीं होता, उसके लिए डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ अननेसेसरी लोग जो आउटसाइडर हैं, जो लोग यहाँ काम भी नहीं करते और अपने आप को दिखाने के लिए काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के आ जाते हैं, इसका मतलब वो अगर वो कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्या। हाँ, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए जो लोग गलत हैं, मगर इस तरह आप डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि जब कोर्ट का फैसला आ गया और वो भी आपके पक्ष में ही आ रहा है कि 3 नवंबर के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो अब हड़ताल क्यों? देखिए सबसे मेन तो ये है कि हड़ताल का कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं, सबसे मेन ये है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरीके से डायरेक्ट रख के गोली मारी गई है, हम कोई क्रिमिनल है? हम कौन है? कोई क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे, उन्हीं की सेफ, चलो हम मानते हैं कि पुलिस वाले हमारी सेफ्टी में खड़े हुए। आप अदालत का फैसला नहीं मान रहे? मैडम मैं अदालत का फैसला मानने के लिए एक्सेप्टेड हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जिन पुलिस वालों ने एडवोकेट्स के ऊपर फायर किए, हमारी जो डिमांड है वो लीगली डिमांड से, आप उनको अरेस्ट कर लीजिए, मैं अपनी स्ट्राइक को खत्म कर लेता हूँ, आप उनको अरेस्ट कर लीजिए। एक आम आदमी अगर किसी के ऊपर फायर करता है और 307 का उसके ऊपर सेक्शन फाइल होता है तो वो तुरंत अरेस्ट किया जाएगा।
जबकि यहाँ पे ये है कि दो लोगों को गोली लगने के बावजूद भी आज तक किसी को कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया। अभी अरेस्ट कर लीजिए जनाब, अभी स्ट्राइक इसको खत्म करवा दिया जाएगा। लेकिन आपकी बार एसोसिएशन की मीटिंग होती है, वो भी आपको काम पर लौटने के लिए कहती है? मैम पहली बात तो ये हमारी जो स्ट्राइक है इसी चीज के लिए है कि जो हमारे वकील भाइयों को गोली लग रही है, हमारे चैम्बर टूट रहे हैं, हमारी गाड़ियां फूट रही हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है, जो दो बंदे हैं वो जिन्होंने एक तो लाठी चार्ज के आदेश किए हैं, गोली चलाने के आदेश दिए हैं, हमारे जिन वकील भाई गोली लग रही है उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट का मान्य हम सर माते बिल्कुल अपनी दलीलें हैं पूजा, अभी तुरंत बिल्कुल खुल जाएगी, सब लौटेंगे आपके पास पूजा।